अपने राष्ट्र का प्रयोजन ही है, उसके निर्माण होने का कारण ही है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि सब कुछ एक का ही है, यानी मेरा अपना है, तो हमको जो सत्य मिला उसके आधार पर उत्तम जीवन कैसे जीना सारी दुनिया को सिखाना है। और ये 10-5 लोगों से होने वाला काम नहीं, उसके लिए पूरे राष्ट्र को तैयार होना पड़ेगा। तब उन्होंने अपने तपश्चर्या से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति की। ओम भद्रम इच्छंत ऋषय स्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। भद्रम इच्छंत, दुनिया का कल्याण चाहने वाले ऋषियों ने, उनके दुर्धर तप से राष्ट्र बल ओज की उत्पत्ति हुई है। तो धर्म छोड़ेंगे तो नहीं रहेगा देश, राष्ट्र नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते कि भारत राष्ट्र धर्म प्राण राष्ट्र है। इस देश में जब तक धर्म है तब तक इस देश का बाल बांका करने की दुनिया के में किसी की ताकत नहीं। और कभी दुर्भाग्य से ऐसा हो सकता है और हो गया कि भारत से धर्म लोप हो गया, तो इस राष्ट्र को बचाने की दुनिया में किसी की ताकत नहीं। तो धर्म बड़ा कि राष्ट्र बड़ा, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। राष्ट्र और धर्म समान है,